इस ईद पर भी मिलने नहीं आएगा बेटा। मैं मानती हूँ बीवी हमसफर होती है, हयात की शराकत दार होती है, लेकिन माँ का इतना तो हक बनता है ना मेरी जान, कि अपने बेटे के साथ ईद का एक दिन गुजार सके। याद है ना पिछले साल क्या हुआ था, कितना हंगामा भरपा हुआ था। तू खाम खाम में जज्बाती हो गई थी और फिर मुझे मुझे तुझको साथ लेकर जाना पड़ा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मैं अपने जज्बात पर काबू रखूंगी। तू जैसा कहेगा मैं वैसे ही करूंगी, तुझे गले से भी नहीं लगाऊंगी बेटा। बस एक बार अपनी शक्ल दिखा जा बेटा, मैं तेरी जन्नत हूं बेटा। बेटा बेटा जिब्रान, जिब्रान अब क्यों आंसू बहाती हो शाइस्ता बेगम? ये दुनिया ही मकाफात की जा है। तेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये तो बस तारीख है जो अपने आप को दोहरा रही है, और यही इस दुनिया की रीत है। सच कहा है आपने, मैं नहीं हूं माफी के काबिल, नहीं हूं मैं माफी के काबिल, नहीं हूं मैं माफी के काबिल, नहीं हूं। सुंबल कितनी देर लगा दी फोन मिलाने में? अम्मी मेरे ख्याल में नेटवर्क डाउन है, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ मिलाने की, मिल ही नहीं रहा नंबर। अरे इस मनुष्य नेटवर्क को भी आज ही प्रॉब्लम में आना था, अरे मिलाओ ना जल्दी। इतनी कोशिश कर रही हूँ मैं। ये ले जा रही है बेल, लग गया नंबर, ये ले बात ला दे। कितने अरसे बाद इसकी आवाज सुनूंगी। हेलो आमिर, हेलो हेलो सुंबल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तुम्हारी अम्मी बात कर रही हूँ बेटा। ओह अम्मी जान, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, जीते रहो मेरा बच्चा। बहुत शुक्रिया। आज 28 जुलाई है ना बेटा, तुम्हारी जिंदगी का नया साल शुरू होने में एक ही दिन रह गया। वैसे एक बात है अम्मी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप मेरी बर्थडे नहीं भूलती ना। हे बेटा, कोई ईद का दिन भी भूल सकता है भला? ईद का दिन क्या मतलब है, समझा नहीं। अरे बेटा, जिस माँ को साल में एक दिन अपने बेटे का चेहरा देखना नसीब हो, उसके लिए तो ईद का दिन ही होगा ना। सही कह रही हैं आप, थैंक यू सो मच। मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। जीता रहे मेरा बच्चा। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, तुम भी मसरूफ हो गए ना, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, और मुझे भी ईद की बहुत सारी तैयारियां करनी है। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। हाँ ईद का दिन। देखो यार, मेरा बर्थडे था मुझे याद भी नहीं, वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन अम्मी नहीं भूली। देखो आप भूल गए थे लेकिन मुझे तो याद था ना, कितने अरमानों से आपसे छुप छुप कर सारी तैयारियां की थी मैंने, रेस्टोरेंट की बुकिंग, ड्रेस की सिलेक्शन, सोचा था आपको सरप्राइज दूंगी, लेकिन इन्होंने सारा सरप्राइज ही किल कर दिया मेरा। क्या हो गया शाइस्ता, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो यार, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? हम आज रात जा रहे हैं ना रेस्टोरेंट, और देखो अम्मी के पास से तो बस आना जाना करना है, बाकी हम सेलिब्रेशन तो मिलकर कर रहे हैं ना। रहने दें, आप ऐसा करें आप रात ही इनकी तरफ चले जाएं, मुझे नहीं जाना अब रेस्टोरेंट, शायद अब इनको कुछ सुकून मिल जाए। शाइस्ता, 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 मुझे समझ में नहीं आता इस पे इतना नाराज होने वाली क्या बात है।
आपको तो मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ, एक शहर में होने के बावजूद सालों तक अपनी अम्मी से नहीं मिलता हूँ। अच्छा, इसका इल्जाम भी मुझ पर ही है, मैंने कब मना किया? तुम्हारा रवैया इतना अजीब है कि अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ ना तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे और ले अपनी माँ बहन को इस घर में। तुम बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो? मैं लेकर जा रही हूँ या वो जिन्होंने इस घर का सुकून बर्बाद किया है? कैसा सुकून, कौन सी बर्बादी? तुम्हें हो क्या गया है मुझे बताओ प्लीज। मैं पागल हो गई हूँ बस, खुश, यही कहना चाहते हैं ना? आपको आपको फैसला करना होगा। कैसा फैसला? यही कि आप अपनी बर्थडे पर अपनी माँ से मिलने नहीं जाएंगे। अरे तुम अभी तक नाश्ता कर रही हो बेटा, उठ जाओ ना, जल्दी कर लो। अम्मी पहले नाश्ता तो कर ले, अभी तो मार्केटें भी नहीं खुली होंगी सारी। ये तो कौन सा वहाँ पर उड़ कर जाना है, हमारे पहुँचते पहुँचते मार्केटें भी खुल जाएंगी। मुझे पता था आमिर भाई से बात करते ही ना आपकी भूख मर जाएगी, तभी तो मैं बहाना कर रही थी नेटवर्क का। क्या बहाना कर रही थी? ठहर जा, पकड़ो तुम्हारे कान। अरे अम्मी नाश्ता तो करने दे मुझे। अच्छा भाई कर लो नाश्ता, मुझे भी चाय का कप दे दो। ये हुई ना बात, ये लें आपकी चाय। ईद का त्योहार हो या शबे बरात, अब तुम कह रही हो कि मैं बर्थडे पे भी ना जाऊं, तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेरे होकर रहें। शाइस्ता वो मेरी माँ है, मेरी जन्नत है वो। और मैं क्या हूँ, दोजा? आप मुझे आज बता कर रहेंगे मेरी इस घर में क्या हैसियत है, आपकी जिंदगी में क्या हैसियत है? शाइस्ता तुम मेरी बीवी हो, इस घर की जीनत हो। अच्छा मैं इस घर की जीनत हूँ, तो फिर आपको इस घर में इस घर की जीनत चाहिए या नहीं? तो अच्छा ठीक है, मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकता हूँ, और प्लीज मुझे ये भी बता देना कि मैं कब मिलूं अपनी अम्मी से। फिर फिलहाल तो आप अपने काम पर जा रहे हैं और मैं कपड़ों की पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग किस लिए? हम दोनों सुबह मरी जा रहे हैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने। अच्छा वो दुल्हन का जोड़ा भी लेना है, भूल जाऊं तो याद करवा देना। आप भी कमाल करती अमीर, आपको पता तो है आप भाभी को एक आंख नहीं भाती और चली हैं उनके लिए दुल्हन का जोड़ा खरीदने। तो उसे अपने बेटे के लिए मैंने पसंद किया था, उसने थोड़ी बतौर सास मुझे पसंद किया था। ये तो अजीब मंतक है अम्मी, आपने उन्हें अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद किया था, इस बात पे ना उन्हें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए था। है बेटा शुक्रगुजारी तो बस अल्लाह ताला की ही अच्छी लगती है। अरे मेरी माँ, आप जीती और मैं हारी। अच्छा पकड़ूं तुम्हारे दोबारा से कान? अरे अम्मी माँ को माँ नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी। अच्छा अब जल्दी करो ना, जल्दी नाश्ता करो, देर हो रही है। दो मिनट। शाइस्ता तुम इस बर्थडे को इतना बड़ा पहाड़ किस लिए बना रही हो, एक ही दिन की तो बात है। ठीक है नहीं जाते, लेकिन आप अपनी अम्मी से मिलने भी नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो मुझे डिवोर्स देकर। तुम्हारा दिमाग सही है, पागल हो गई हो तुम? मैं सच कह रही हूं, आप मेरी बातों को हल्का मत लीजिएगा। आज 28 जुलाई है ना बेटा, तुम्हारी जिंदगी का नया साल शुरू होने में एक ही दिन रह गया। सोचा था आपको सरप्राइज दूंगी, लेकिन इन्होंने सारा सरप्राइज ही किल कर दिया मेरा। अरे बेटा जिस माँ को साल में एक दिन अपने बेटे का चेहरा देखना नसीब हो, उसके लिए तो ईद का दिन ही होगा ना। यही कि आप अपनी बर्थडे पर अपनी माँ से मिलने नहीं जाएंगे।
ठीक है नहीं जाते, लेकिन आप अपनी अम्मी से मिलने भी नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो मुझे डिवोर्स देकर। वेलकम टू सर्वर कैफे। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मिसेस आमिर बात कर रही हूँ। जी मैम बोलिए। मैंने बर्थडे इवेंट के लिए एक बुकिंग करवाई थी। जी मैम। मुझे वो बुकिंग कैंसिल करवानी है। 11 आवर्स पर बुकिंग कैंसिल करवाने पर आपकी पेमेंट रिटर्न नहीं हो सकती। मैंने आपसे रकम वापस मांगी। मैडम ये हमारी पॉलिसी है। मैंने रकम वापस मांगी। मैम मैं आपको अपनी पॉलिसी बता रहा हूँ। जस्ट शट अप। मगर मैम शट अप। ओके वालेकुम अस्सलाम। बेटा कोई अच्छा सा ब्राइडल ड्रेस तो दिखाओ इनके लिए। नहीं नहीं मेरे ऐसे नसीब कहाँ। क्या मतलब? अरे छोड़ो बेटा, तुम कोई दिखाओ ना, ड्रेस तो दिखाओ पहले। मगर साइज किसका चाहिए माँ जी? अपनी बहू के लिए लेना है माँ जी। स्मॉल मीडियम या लार्ज? वो ना तो ज्यादा लंबी है और ना ही छोटी है, दरमियानी सी है। तो फिर मैं आपको मीडियम साइज का जोड़ा दिखा देता हूँ। जी अम्मी मेरे ख्याल में मीडियम आ जाएगा भाभी को। हाँ हाँ मीडियम, चलो दिखाओ ना। जी अम्मी मेरे ख्याल में आ जाएगा मीडियम है? भाभी को मीडियम आ जाएगा। अरे कितना प्यारा लग रहा है ना। बारात का चाहिए या वलीमे का? बर्थडे का ब्राइडल ड्रेस चाहिए। आज 10 साल बाद भी ये अपनी बहू को दुल्हन के रूप में देखना चाहती है। ये तो अच्छी बात है, मैं भी दिखाता हूँ। सर आपने चाय भी नहीं पी, ठंडी हो गई है। सर अगर एक बात पूछूं बुरा तो नहीं मानोगे? पूछिए। सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सर में दर्द है मेरे। सर आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया और चाय भी नहीं पी। सर ठंडी हो गई है, आपके लिए गरम गरम चाय ला दूं? सर दर्द ठीक हो जाएगा। ले आइए। शाइस्ता वो मेरी माँ है, मेरी जन्नत है वो। और मैं क्या हूँ? दोजा? आप मुझे आज बताकर रहेंगे मेरी इस घर में क्या हैसियत है, आपकी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है? शाइस्ता तुम मेरी बीवी हो, इस घर की जीनत हो। अच्छा मैं इस घर की जीनत हूँ, तो फिर आपको इस घर में इस घर की जीनत चाहिए या नहीं?
जी भाईजान, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी जान कैसी हैं? वो तो हमेशा की तरह दीवानी हुई फिरती हैं, पूरा दिन आपकी और भाभी के लिए शॉपिंग करती रहीं। अब जाके जरा लेटी हैं, जगा दूं उन्हें? नहीं नहीं, उन्हें मत जगाना, सोने दो ना। वो ठीक 12 बजे का अलार्म लगा कर सोई हैं ताकि आपको बर्थडे विश कर सकें। अच्छा, क्या बात है भाईजान, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सुमन, मैं बर्थडे में नहीं आ सकूंगा यार। नहीं आ सकेंगे? क्या मतलब, कब आएंगे आप? शायद कभी नहीं। मगर ऐसे क्यों भाईजान, मैं अभी अम्मी को जगाती हूँ। नहीं प्लीज, उन्हें मत जगाना। और सुनो, उन्होंने जो 12 बजे का अलार्म लगाया ना, वो भी प्लीज बंद कर दो। क्यों? दरअसल बात यह है कि शायस्ता नहीं चाहती कि मैं अम्मी जान से मिलूं, खास करके अपनी बर्थडे पर। तुम प्लीज प्लीज उनको समझाओ। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, मुझे ना 12 बजे फोन मत करना। शायस्ता मेरे पास होगी। भाई, सर गर्मा गर्म चाय और कड़क। शायस्ता नहीं चाहती कि मैं अम्मी जान सकूं, खास करके अपनी बर्थडे पर। एक बात का खास ख्याल रखना, मुझे ना 12 बजे फोन मत करना। शायस्ता मेरे पास होगी। अच्छा, वो दुल्हन का जोड़ा भी लेना है, भूल जाऊं तो याद करवा देना। तो उसे अपने बेटे के लिए मैंने पसंद किया था, उसने थोड़ी बतौर सास मुझे पसंद किया था। जरूर ले आइएगा। यार मुझे याद है, लेकिन अभी सैलरी मिलने में 2 दिन बाकी है। इसीलिए तो कहती हूँ, ग्रोसरी के साथ महीने भर की दवाइयाँ ले आया करें। प्लीज, इस तरह बार बार दवाइयाँ लाने से एक दो दिन का नागा तो हो ही जाता है।
यार मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त, और तुम्हें पता है कि मैं इस महीने से ओवर टाइम भी लगा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब बस करें। ओवर टाइम के चक्कर में कहीं तबीयत खराब मत कर लीजिएगा। ओके। से रात हो गई, एक फोन तक नहीं किया इन्होंने। चार दिन मैं के जाके रहूंगी ना, अकल खुद बखुद ठिकाने आएगी। भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। हाँ क्या हुआ सर? आप सर वो पेट्रोल खत्म हो गया है। चलो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं पैदल चला जाऊंगा सर। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। आ जाओ शावर, जल्दी आओ। ओके सर। तुम्हारी वाइफ क्या शुगर या ब्लड प्रेशर की मरीज है? नहीं सर, आपसे किसने कहा? नहीं वो मैं सुन रहा था कि वो तुमसे दवाइयों का मुतालबा कर रही थी। अच्छा वो सर वो तो मेरी अम्मी जान के लिए दवाइयों का कह रही थी। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी अम्मी जान के लिए तुम्हें इतनी बातें सुना रही थी? जी सर। सर मेरी बीवी बहुत नेक परहेजगार और समझदार खातून है सर। शादी की रात मैंने सिर्फ एक बार उसे कहा था कि मेरी माँ मेरी जन्नत है। सर वो दिन है और आज का दिन है। सर वो मेरी माँ की खिदमत मुझसे भी ज्यादा बढ़कर करती है। सर सर आप किन सोचों में गुम हो गए? नहीं कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हारी वाइफ माशाल्लाह एक नेक औरत है। जी सर। सर चलें। रोक दीजिएगा, वो सामने गली में मेरा घर है सर। अच्छा ओके। सर थैंक यू सो मच। सुनो जी सर, सर ये किस लिए? तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक कहती है, माँ की दवा में कोताही होनी नहीं चाहिए। सर सर थैंक यू सो मच। और मैंने सोचा कि तुम्हारा इंक्रीमेंट भी कर दूंगा। सुनो मेरी एक बात याद रखना हमेशा जिंदगी में, ये जो माँ होती है ना, इसकी जो संगत है वो बहुत नसीब वालों को मिलती है, इसे कभी इग्नोर मत करना। ऑलराइट सर। सर सर थैंक यू सो मच सर। ओके सर मैं चलता हूँ, थैंक यू।
साथ बर्गर लाऊं? साहब बर्गर। एक बर्गर दे दें। अरे जान छोड़ बीबी, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है। बर्गर चाहिए बच्चे के लिए। मेरा बच्चा भूखा है। भूखा तो मैं क्या करूं, ये दुनिया मैंने बनाई है, मैंने तो बनाई नहीं। जा जाके ऊपर वाले से शिकवा कर, उसको सुना अपना रोना। जा, बर्गर चाहिए। सुनिए, ये अपने बेटे को दे दीजिएगा। आप मेरे बेटे को बर्गर अपने हाथों से दे सकते हैं? कहाँ है आपका बेटा? वो उधर है। और कितनी दूर है अम्मा? बस ये इधर ही। साहब वो मेरा बेटा बैठा है। सुनो, ये लो। बेटा आप इस वक्त इतनी रात को कब्रिस्तान में बैठे हैं, आपको डर नहीं लगता? ये मेरी माँ की कब्र है। मुझे दुनिया से जब डर लगता है तो मैं अपनी माँ के पास आ जाता हूँ। ये बच्चा यहाँ पे हेलो हेलो साहब, साहब आपका बकाया, साहब 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 आपका बकाया। मेरा बच्चा भूखा है, एक बर्गर दे दें। ये मेरी माँ की कब्र है। मुझे दुनिया से जब डर लगता है तो मैं अपनी माँ के पास आ जाता हूँ। आमिर, अम्मी अम्मी क्या हुआ? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अम्मी मेरी आंख लग गई थी। क्या करती हो तुम? 12:10 हो गए, तुम्हें पता है ना आमिर को विश करना था। अम्मी टाइम का पता नहीं लगा मुझे। और ये अलार्म क्यों नहीं बचा? खराब हो गया होगा अलार्म अम्मी। इस कमबख्त को भी अभी खराब होना था। अच्छा भाई को फोन लगा, उसे नए साल की मुबारकबाद देनी है। रहने दे अम्मी, सुबह कर लेंगे कॉल उन्हें। नहीं सुबह बहुत देर हो जाएगी, तुम अभी कॉल करो उसे। इतनी देर क्यों लगा रही हो? कितनी बेचारी से मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा। लो मुझे दो, मैं फोन मिला देती हूँ। अम्मी कोई इंतजार नहीं कर रहा आपकी कॉल का। बकवास कर रही हो तुम। तुम्हें पता नहीं वो सुबह कितने प्यार से मुझसे बात कर रहा था। मैं सही कह रही हूँ अम्मी, भाई की कॉल आई थी मुझे, उन्होंने आने से मना कर दिया है, वो अब कभी नहीं आएंगे। आपकी वजह से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में खलल पैदा हो रहा है
अब आप भूल जाएं कि आपका कोई बेटा है। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? अपने जिगर के टुकड़े को कैसे भूल जाऊं? भूल जाऊं कि 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा, उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, बाल पोस कर बड़ा किया, उसे भूल जाऊं मैं? कैसे भूल जाऊं? ठीक है, ठीक है, अगर मेरा बेटा यही चाहता है ना कि मैं उसे भूल जाऊं, तो भूल जाऊंगी उसे, भूल जाऊंगी। अपने बच्चे की बात को कैसे टाल सकती हूँ मैं? नहीं टाल सकती, भूल जाऊंगी उसे। भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। मगर आप तो, वो सब मेरी बेवकूफी थी सिंबल, अम्मी जान किधर है? अम्मी अंदर हैं, आपको देखेंगी ना बहुत खुश होंगी वो। चलिए। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरी आंखें खुल गईं, आज मैं अपनी जन्नत को अपने साथ लेके जाने के लिए आया हूं। अब आपको हर साल मेरी बर्थडे के लिए मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मेरी शक्ल देखने के लिए नहीं तरसेंगे यार। और अब ईद आपकी नहीं होगी, ईद तो मेरी होगी, जब रोज सुबह उठ के मैं आपका चेहरा देखा करूंगा। उससे बड़ा दिन नहीं होगा मेरे लिए कोई। अम्मी, अम्मी कुछ बोलिए ना। अम्मी, 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 बहुत मुश्किल से मुझे होश आया, प्लीज उठिए। अम्मी, आपको, अम्मी मेरी आंखें खुल रही हैं, बाद अब आंखें नहीं बंद कर सकती। अम्मी प्लीज, अम्मी उठिए। अम्मी, क्या हो गया आपको? अम्मी देखिए, भाई आपसे मिलने आए, आंखें खोलें अम्मी। भाई क्या हो गया? अम्मी, अम्मी, अम्मी ये देखिए, ये देखिए अम्मी, ये देखिए अम्मी, ये देखिए अम्मी, आपका बेटा दूल्हा बना है। आज बर्थडे के दिन मुझ पे कितना रूप चढ़ा है बताइए ना, प्लीज प्लीज बताइए ना। अम्मी भाई की खातिर उठ जाए प्लीज। अम्मी उठ जाए, बोलिए ना, नहीं चढ़ा प्लीज, बोलिए अम्मी। अम्मी भाई आपसे मिलने आए, प्लीज आके बोलिए आपका बेटा के पास।
पहुंच गए ना आप अपनी माँ के पास। बहुत ही ढीठ इंसान है आप। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है शाइस्ता। मेरी माँ मेरी कोई भी पढ़ते हुए मेरा चेहरा नहीं देख सकेगी। मैं तो अपनी माँ को बहुत मजबूत समझता था, लेकिन आज पता चला माँ तो बहुत कमजोर होती है। बेटे के मुंह से निकली हुई एक ना ही उसे खत्म करने के लिए काफी है। बहुत कमजोर होती है। बेटे के मुंह से निकली हुई एक ना ही उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। आपको पता तो है आप भाभी को एक आंख नहीं भाती और चली हैं उनके लिए दुल्हन का जोड़ा खरीदने। शाइस्ता तुम इस बर्थडे को इतना बड़ा पहाड़ किस लिए बना रही हो? एक ही दिन की तो बात है। ठीक है नहीं जाते, लेकिन आप अपनी अम्मी से मिलने भी नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो मुझे डिवोर्स देकर। माँ का इतना तो हक बनता है ना मेरी जान कि अपने बेटे के साथ ईद का एक दिन गुजार सके। याद है ना पिछले साल क्या हुआ था, कितना हंगामा भरपा हुआ था। तू खामखा में जज्बाती हो गई थी और फिर मुझे